आज की वीडियो में जो सूत्र आप जानेंगे YouTube पर आज तक किसी ने नहीं डाला है, किसी ने नहीं बताया है। तो पूरा वीडियो देखें और जानें कि किसी भी गाने का, किसी भी राग का और किसी भी थाट का मात्र एक फॉर्मूला है ऐसा, जिसको आप समझ लेंगे, जान जाएंगे, तो दुनिया का कोई भी गीत और 10 थाटों का कोई भी थाट और 10 थाटों से जितने भी राग उत्पन्न हुए हैं उसके कोई भी राग के स्वर हम मिनटों में कैसे निकाल सकते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आप सभी का संगीताक्षरी में बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि आपने सुना कि आज का जो ट्रिक है वो आज तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला है। आज हम जानेंगे कि किसी भी गाने का, किसी भी थाट का और किसी भी राग का स्वर हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, पूरा वीडियो देखें और जानें कि हम उसको कैसे निकालेंगे मिनटों में। तो मैंने एक पेज में सब लिख लिया है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अच्छे से इसको आप याद कर लें। ठीक है, आप नोट कर लें और नोट करके याद कर लेंगे। ठीक है, और इसके माध्यम से हम आज जानेंगे कि हम किसी भी गाने का स्वर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए, जैसे आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में 10 थाट है। ठीक है, और 10 थाटों से ही जितने भी राग हैं उन सभी रागों की उत्पत्ति इन्हीं 10 थाटों से हुई है। सबसे पहला थाट आता है बिलावल थाट, जिसमें सारे स्वर शुद्ध लगे होते हैं, सारे गमा पद निशा। ठीक है, तो सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। मान लो कि हम पहली काली से बजाते हैं तो बजा ले रहे हैं, लेकिन दूसरे किसी बटन से हम बजाते हैं तो नहीं बजा पाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टेक्निक अपनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम आज लेकर के आए हैं, आज आप जानेंगे कि उसको हम कैसे बजाएंगे। किसी भी स्वर को हम मान के बजा सकते हैं, लेकिन पहले हम पहली काली को मान करके बजाएंगे। ठीक है, तो पहली काली को जैसे सा रे गमा पढ़ने सा, ये बिलावल का स्वर हो गया। ठीक है, सारे स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। मान लो कि हमको स्वर पहचान में नहीं आ रहा है, पहली काली से बजा रहे हैं तो बजा ले रहे हैं, दूसरी काली से हम नहीं बजा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सभी स्वरों पर अंक बिठा देंगे और अंक के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बिलावल का स्वर जानते हैं। बिलावल का स्वर क्या होगा? एक तीन पांच छ आठ दस बारह तेरह, ये क्या हो गया आपका? सारेगामा पदनिशा। और वो करना होगा 13 12 10 8 6 5 3 1, ये आपका बिलावल निकल गया। 1 3 5 6 8 10 12 13, बिलावल कंप्लीट, आपका थाट बिलावल जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा होगा, दूसरा खमाज थाट आता है। खमाज में कौन सा स्वर लगता है? सारे स्वर शुद्ध लगते हैं और केवल नी जो है वह कोमल हो जाता है, नी कोमल हो जाता है। तो अब देखिए ये किस अंक पर आएगा, जब नी कोमल हो जाएगा तो कौन सा अंक इस पर बैठेगा? 1 3 5 6 8 10 11 13, जो शुद्ध नी 12 पर है वो कोमल नी होगा तो कितने पर होगा? 11 नंबर पर होगा। ठीक है, तो ये कोमल नी बदल रहा है, बाकी सारे स्वर वही है, सारे स्वर शुद्ध ही लग रहे हैं तो कोमल नी बदल जाएगा। और वो करना होगा तो 13 11 10 8 6 5 3 1, ये आपका खमाज हो गया, थाट खमाज। 1 3 5 6 8 10 11 13 13 11 10 8 6 5 3 1, ये आपका खमाज तैयार हो गया। अब आएंगे हम भैरव पर, भैरव थाट को लेंगे। भैरव थाट में कौन से स्वर लगते हैं? सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल रे और ध कोमल लगता है, रे और ध ये दो स्वर कोमल लगते हैं, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अब इसको देखते हैं कौन सा अंक इस पर बैठेगा।
एक दो पांच छः आठ नौ बारह तेरह तेरह बारह नौ आठ छः पाँच दो एक। ये आपका कौन सा स्वर हो गया? ये आपका स्वर हो गया भैरव का, भैरव थाट का यह स्वर हो गया। ठीक है, भैरव थाट के स्वर में ये अंक हम बिठाएंगे। अगला हमारा थाट आता है काफी थाट। काफी थाट में कौन से स्वर लगेंगे? काफी थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल ग और नी ये कोमल लगता है, ग और नी कोमल लगता है। तो इस पर कौन अंक बैठेगा, आइए उसको देखते हैं। जैसे सा रे ग म प ध नी सा नी र प म ग रे सा एक तीन चार छः आठ दस ग्यारह तेरह तेरह ग्यारह दस आठ छ चार तीन एक। ये आपका काफी थाट हो गया, काफी थाट का ये पूरा स्वर निकल गया। एक तीन चार छ आठ दस ग्यारह तेरह तेरह ग्यारह दस आठ छ चार तीन एक, एक काफी थाट का पूरा स्वर निकल गया। अब आइए हम स्वर देखते हैं आसावरी को। ठीक है, हमारा पांचवा जो थाट है वो आसावरी है। आसावरी में कौन से स्वर लगते हैं? आसावरी में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल ग ध और नि ये कोमल लगता है। ग ध और नि ये तीन स्वर कोमल, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। अब इसको हम देखेंगे, जैसे सा रे ग म प र नि सा सा नि र प म ग रे सा। इस पर अंक कौन बैठेगा? एक तीन चार छः आठ नौ ग्यारह तेरह तेरह ग्यारह नौ आठ छः चार तीन एक। ये आपका आसावरी थाट हो गया। ठीक है, अगला थाट आता है हमारा भैरवी थाट। भैरवी में क्या लगता है? भैरवी में सारे कोमल स्वर लगते हैं, यानी जो चार कोमल स्वर होते हैं रे ग ध और नि ये चारों स्वर कोमल लगते हैं, बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। उसका हम स्वर देखेंगे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा। ये कौन सा स्वर हो गया? ये भैरवी का स्वर हो गया। अब इस पर अंक क्या हम बिठाएंगे वो देखेंगे। अंक होगा एक दो चार छः आठ नौ ग्यारह तेरह तेरह ग्यारह नौ आठ छः चार दो एक, एक दो चार छः आठ नौ ग्यारह तेरह तेरह ग्यारह नौ आठ छः चार दो एक। ये भैरवी आपका निकल गया, भैरवी थाट का पूरा स्वर निकल गया। अब हम अगला देखेंगे, अगला थाट कौन सा है? अगला थाट है कल्याण। कल्याण है थाट है। अब कल्याण थाट में जो स्वर लगते हैं वो क्या लगते हैं? कल्याण थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, केवल म जो है वो तीव्र हो जाता है, म बदल जाता है। म यहां पर कौन सा मत लगता है? म तीव्र मध्यम लगता है। तो अब उसका हम स्वर देखेंगे, जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि र प म ग रे सा। ये आपका कल्याण थाट हो गया।
अवकल्याण थाट पर हम जो अंक बिठाएंगे वो कौन सा अंक होगा, जैसे एक तीन पांच सात आठ दस बारह तेरह, तेरह बारह दस आठ सात पांच तीन एक, एक तीन पांच सात आठ दस बारह तेरह, तेरह बारह दस आठ सात पांच तीन एक, ये आपका कल्याण थाट हो गया जिसमें म तीव्र लगता है। अब हम आगे देखेंगे, आगे आता है हमारा थाट मारवा थाट, ठीक है। मारवा कौन सा थाट है, मारवा हमारा आठवां थाट है। अब मारवा में कौन सा स्वर लगता है, मारवा में जो स्वर लगता है वो लगता है कोमल रे और म तीव्र, बाकी सारे स्वर उसमें शुद्ध लगते हैं। कोमल रे यानी ऋषभ जो है वह कोमल लगता है, बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। अब देखिए इसका स्वर कैसे निकलेगा, सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा, ये मारवा है। अब इस पर हम अंक कौन सा बिठाएंगे, अंक है एक दो पांच सात आठ दस बारह तेरह, तेरह बारह दस आठ सात पांच दो एक, ये हमारा हो गया मारवा थाट। अब हम अगला थाट जो देखेंगे वो होगा हमारा पूर्वी थाट, यानी नौवा थाट जो होगा वो होगा पूर्वी थाट। पूर्वी थाट का स्वर है सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, ये पूर्वी थाट हो गया। इस पर जो अंक बिठाएंगे वो कौन सा होगा, एक दो पांच सात आठ नौ बारह तेरह, तेरह बारह नौ आठ सात पांच दो एक, एक दो पांच सात आठ नौ बारह तेरह, तेरह बारह नौ आठ सात पांच दो एक, ये हमारा कौन सा थाट है, ये थाट है पूर्वी। पूर्वी का ये अंक लगेगा, ये अंक आप जब बिठाएंगे तो आपके पूरे स्वर इस पे निकल जाएंगे। लास्ट जो थाट है हमारा वो है तोड़ी, यानी दसवां थाट है तोड़ी। तोड़ी का कौन सा स्वर है, तोड़ी का स्वर है सा रे ग म प द नि सा नि द प म ग रे सा, यानी कोमल रे कोमल ग और तीव्र म और फिर कोमल ध, तीन कोमल और एक तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं इसमें, रे ग ध कोमल म तीव्र और बाकी स्वर शुद्ध। अब इस पे अंक जो हम बिठाएंगे वो कौन सा अंक बैठेगा उसको देख रहे हैं, एक दो चार सात आठ नौ बारह तेरह, तेरह बारह नौ आठ सात चार दो एक, एक दो चार सात आठ नौ बारह तेरह, तेरह बारह नौ आठ सात चार दो एक,
सारे तो ये हमारे 10 थाट हैं और इन्हीं 10 थाटों में सारे राग जितने भी राग हैं उन रागों की उत्पत्ति इन्हीं थाटों से हुई है। तो ये 10 थाट अगर आप कंप्लीट कर जाते हैं तो जितने भी राग हैं वो सब राग आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर सभी राग जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो दुनिया का कोई भी गाना बड़ी ही आसानी से आप बजा सकते हैं, थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार और मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लें और नोट करके और पूरा आप याद कर लें पूरा अंक और स्वर, और उसके बाद तब आप अभ्यास करें और देखें कि आप कितना जल्द से जल्द हारमोनियम से कोई भी गाना बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि इन सब बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की संगीत से जुड़ी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।